नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल A4 पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि गन्ना पेड़ी से 120 से 130 क्विंटल तक गन्ना आसानी से लिया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सावधानियां व किस समय कौन कौन से उर्वरक व दवाइयां देनी है यह बताऊंगा, ताकि आप आसानी से बताई गई उपज ले सकें। पेड़ी दो तरीके से ली जाती है। एक तो गन्ने की कटाई करने के बाद उस खेत की पत्ती हटाकर जुताई कर देते हैं, तथा दूसरा तरीका यह है कि हम गन्ने काट लेते हैं तथा जल किल्लों को, जिन्हें सामान्य भाषा में पोगले कहते हैं, छोड़ देते हैं तथा पत्ती को फैला देते हैं। इन दोनों ही विधियों में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करनी है, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसा नहीं करते तथा जमीन के ऊपर 3 या 4 इंच के ठुट छोड़ देते हैं, जो पहले तो सूखते हैं, फिर उनमें सड़न पैदा हो जाती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। दूसरी ओर आपको उर्वरक तथा कुछ दवाइयाँ देनी है। इनमें हैं सल्फर WDG 80%, 5 kg, मैंगनीज 10 kg, नाइट्रोजन 50 kg, एथी 39% SL 250 ml, ये ग्रोथ रेगुलेटर है तथा कई कंपनियों का आपको मिल सकता है। ह्यूमिक एसिड 1 kg, डेनिटोल 1 लीटर। यदि खेत की आपने जुताई की है तो 50 kg DAP अलग से देनी होगी। जिन खेतों में पत्ती बिछाई हुई है उनमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए है तथा इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे खेत में जल्दी से जल्दी डाल देना चाहिए, नहीं तो इसमें नमी आने लगती है। उर्वरक देने के बाद आपको खेत में अच्छी तरह से सिंचाई करनी है, या खेत में पानी भरकर भी इस मिश्रण को डाल सकते हैं। बताए गए उर्वरक में दवाइयाँ डालने पर आपकी फसल को अनेक लाभ होंगे, जैसे आपका पौधा हेल्दी होगा, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, अधिक हरा होगा, तेजी से बढ़ने लगेगा, उसकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी, जड़ों का विकास होगा तथा जो हानिकारक कीट पतंगे हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगे। किसान भाइयों, अधिक गन्ना उपज लेने के लिए मैंने आपको यह पहली डोज बताई है। दूसरी डोज कुछ दिनों बाद मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। और अंत में, यदि आपकी गन्ना पेड़ी में खरपतवार अधिक हो गए हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।